सभी को नमस्ते। आज शिविर का चौथा दिन है और हम लोग इन दिनों में जितनी बात की है उसके सार को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। इसी बीच आपका कोई रिफ्लेक्शन होगा, कोई प्रश्न होगा तो उसको भी लेंगे। पहले दिन ये बात निकल कर आई कि मानव चेतना में जीने का मतलब हुआ कि समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों को सुनिश्चित करना। समझ पहली वरीयता है, संबंध दूसरी वरीयता है, सुविधा तीसरी वरीयता है। और जब हम ऐसा सुनिश्चित कर पाते हैं तो हम साथ साथ जीते हुए सुखी होते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ के जो कार्य करते हैं उसमें हमारी सुविधा की आवश्यकता भी पूरी होती है और प्रकृति भी पहले से बेहतर हो जाती है, जिसको वह समृद्धि का। समझने के कुल वस्तु को देखें तो जो भी हमारे जीने का फैलाव है उसमें से हर एक स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। तो मानव को समझना, परिवार को समझना, परिवार का मतलब संबंध को समझना, समाज को समझना जहाँ परिवार मिल के रहते हैं, प्रकृति और अस्तित्व को समझना। तो कल तक हम लोगों ने परिवार में व्यवस्था की बात करते हुए दो मूल्यों पर बात किया था, विश्वास और सम्मान। आज अन्य मूल्यों पर भी बात करेंगे और समाज और प्रकृति भी बात करेंगे। कल सुबह हम लोग अस्तित्व पर बात करेंगे और इस पूरी बात में आपने चीज ध्यान दिया होगा, इसमें कोई भी मानने की जरूरत नहीं है, परंतु जो भी बात आ रही है प्रस्ताव के रूप में है उसको जांचना है और जी कर भी देखना है। जब हम जी कर देखते हैं तो उसी वस्तु से जुड़े हुए हमारे अंदर नए नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मानव का अर्थ क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, संबंध का अर्थ क्या है, विश्वास का अर्थ क्या है। और जितना जितना हम उसको जीते हैं उतना हमको जांचने की और आवश्यकता दिखती है, और जितना हम जांच पाते हैं उससे और जीने की तत्परता बनती है। तो समझने का एक फलन है जीना, निश्चित फलन है जीना। समझते हैं तो जीते हैं। समझने को ही शिक्षा का, जीने को ही संस्कार का। तो जीने में जो हमारे चारों स्तर हैं उनमें से हर एक स्तर पे जिएंगे और ये पूरा कार्यक्रम निकल कर आता है। इसी को जब फैलाया तो दिखता है कि सही समझ का मतलब कि हर एक स्तर पर व्यवस्था को समझना। और संबंधों में अगर हम जीने जाते हैं तो परिवार में संबंध पहचान में आते हैं, परिवार से बाहर भी संबंध पहचान में आते हैं। और जितना जितना हम इन भावों को समझ पाते हैं जो हमको सहज स्वीकृत है, पूरा विश्व ही हमको एक परिवार जैसा दिखने लगता है। इसको मानने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको दिखाई देगा, जैसे हम उन्होंने ट्रस्ट की फीलिंग की बात की, विश्वास के भाव की बात की। विश्वास होता है तो हर एक पे होता है, सम्मान होता है हर एक का होता है, फिर परिवार की सीमा में हमारा भाव बंधा नहीं रहता, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जाता है। तो जो हम परिवार में साथ साथ सुखपूर्वक जीने का एक अभ्यास करते रहे, अब वो धीरे धीरे हमारा परिवार पूरे समाज का एक स्तंभ बन जाता है और हम एक अखंड समाज के हिस्सा हो जाते हैं। तो परिवार विश्व परिवार की एक इकाई बन जाती है। वैसे ही जब प्रकृति के साथ जुड़कर मैं अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उत्पादन करने जाता हूँ तो मेरे परिवार में तो व्यवस्था बनती है, हर एक सदस्य की आवश्यकता पूरी होती है। और वो जो परिवार की व्यवस्था बनती है वो पूरे विश्व परिवार की व्यवस्था का भी एक स्तंभ बन जाती है, क्योंकि अगर उसी को मल्टीप्लाई किया जाए, उसी विधि से मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरे विश्व परिवार में व्यवस्था हो सकती है। अब कई बार ये बात सुनने में हमको लग सकता है कि ये विश्व परिवार की बात है ना, बात तो हम सदियों से करते रहे हैं, ये होगा नहीं होगा कब होगा। अब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं कब होगा, हमको बात स्पष्ट हो जाती है, मेरा जीना उसके अनुसार हो जाता है, मेरा जीना उसके अनुसार होता है, मुझे उसका सुख मिलता है, मेरे अंदर समृद्धि का भाव बना रहता है, मैं अपने आप में समाधानित महसूस करता हूँ, आश्वस्त रहता हूँ, मेरे अंदर कोई शंका, प्रश्न, द्वंद, अंतर्विरोध रह नहीं जाता, क्योंकि मुझे पूरी क्लैरिटी है, मेरे अंदर समाधान है। ऐसा जीना हो पाए इसको मानव चेतना का। इस मानव चेतना जो शब्द प्रयोग हुआ है इसको लेकर आपका अगर कोई प्रश्न बना हो पिछले दो तीन दिनों की चर्चा में तो उस पर बात कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ऐसा परिमार्जन हो जाए ताकि मनुष्य ये जो सिर्फ सुविधा के दायरे में जीने में लगा हुआ है उससे आगे निकलकर इस पूरे फैलाव में जी पाए, ऐसा परिमार्जन हो जाए, इसको विकास कहेंगे। अभी जिसको हम विकास कह रहे हैं वो ये है कि सुविधाएं बढ़ जाए, सड़कें बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए, ये भी ठीक है, परंतु ये संपूर्ण विकास नहीं है, ये समग्र विकास नहीं है। सड़कें बढ़ जाए और उसके कारण क्राइम बढ़ जाए, बिजली 24 घंटे आने लगे
और परिवार में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए। हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होने लगे परंतु लोग भोजन स्वाद के लिए लेना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो मगर लोग मकान को लेकर एक दूसरे से कंपटीशन शुरू करते हैं, किसका बेहतर मकान है, किसका ऊंचा मकान है। लोगों के पास आमदनी बढ़ जाए और उससे लोग असलहे खरीदने लगे, हथियार खरीदने लगे, युद्ध करने लगे, आपस में झगड़े करने लगे, और ये सब दिखता है समाज में। उन समाजों में ऐसी दुर्घटनाएं कम होती हैं जहाँ पे सुविधाएं कम है। जहाँ समझ न बढ़े और सुविधाएं बढ़ जाए उन समाजों में समस्या ज्यादा है। परिवार में भी देखें कि परिवार में अगर सुविधा का अभाव हो तो उतनी समस्याएं नहीं होती क्योंकि लोग सुविधा के लगे रहते हैं। परंतु यदि सुविधा बहुत बढ़ जाए और लोगों में समझ विकसित ना हो, संबंध का अभाव ना हो, तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मनुष्य जीव चेतना में जी रहा है और सुविधाओं को बढ़ाते जाए तो समाज की और दुर्दशा होगी, परिवार की और दुर्दशा होगी, धरती की और दुर्दशा होगी। परंतु यदि हम इस समग्रता को देख पाए, समझ पाए और इसको शिक्षा विधि द्वारा सुनिश्चित कर पाए तो सही अर्थ में विकास होगा, तब इसको समग्र विकास कहेंगे। एक बार एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसका नाम था विकास। उससे पूछा गया, भाई बताओ विकास का क्या मतलब है। उसने कहा सोच के थोड़ा कि विकास मतलब बढ़ना। उन्होंने पूछा क्या बढ़ना। अब उसको बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगी, क्या बढ़ना। तो हमने कहा कि मान लो तुम्हारे पाँव में एक फोड़ा हो और बढ़ रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हंसने लगा। अभी ऐसा ही है, अभी हम विकास के नाम पे बहुत कुछ करते रहते हैं बट वो समाज में फोड़े की तरफ बढ़ रहा है, परिवार में फोड़े की तरफ बढ़ रहा है, हमको लगता है विकास हो रहा है। जैसे अभी आप देखें, आज से 25-30 साल पहले कुछ ही घरों में टीवी था। मुझे ध्यान है 80s में तो ब्लैक एंड टीवी हुआ करते थे और मोहल्ले में किसी किसी के यहाँ हुआ करते थे। 90s में लगभग सब घरों में टीवी आ गए और कई घरों में कलर टीवी आ गए। और उसके बाद अगर इसी सदी में देखें तो हर घर में टीवी हो गया और हर हाथ में मोबाइल हो गया। अभी हर किसी के पास डुअल सिम का मोबाइल हो गया है। परंतु अगर हम देखें कि आपस में कम्युनिकेशन की क्वालिटी का क्या हुआ है, कितना हम कम्युनिकेट कर पा रहे, कितना शेयर कर पा रहे दूसरे के साथ, तो आपको देखिए शेयरिंग घटी है। जैसे एक परिवार को लें, ऐसा परिवार जिसमें टीवी ना हो, फिर एक ऐसा परिवार हो जिसमें एक कमरे में टीवी हो, और एक ऐसा परिवार हो जिसमें हर कमरे में टीवी हो, क्या लगता है किस परिवार में कम्युनिकेशन ज्यादा होगा? क्या लगता है, जिसमें कोई टीवी ना हो वहां कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, जिसमें हर कमरे में टीवी हो वहां जिस घर में टीवी नहीं होगी वहां कम्युनिकेशन ज्यादा होगा? सर समझ होगी वहां कम्युनिकेशन होगा। अगर टीवी नहीं होगी तो भले ही समझ ना हो, कम्युनिकेशन तो होगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे मगर टीवी में नहीं डूबे रहेंगे, है ना, आपस में बातें करेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि टीवी ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि घर में टीवी ना हो, टीवी हो पर टीवी का हम सब उपयोग करता है। टीवी से हमें बाकी समाज के बारे में, दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, इतना ठीक है। बट उससे अगर हमारा आपस संवाद प्रभावित हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। मोबाइल हो ठीक है, अभी देखिए ना ये कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम सभी दूर बैठे किसी से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, बट कम्युनिकेशन का कंटेंट कुछ सार्थक हो तब तो ये कम्युनिकेशन भी सार्थक होगा। कमलेश जी करें, जिस घर में एक टीवी हो, कमलेश जी की बात को सुनते हैं, कहना चाहे अगर तो अभी इसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पर यदि इसके सदुपयोग सुनिश्चित ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पे बहुत सारे गलत मैसेज चले, समाज में गलत मैसेज जाए, आपस में संबंध खराब हो जाए। तो देखने की बात है कि सिर्फ सुविधा को बढ़ाते रहने से क्या हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्या सुविधा को बढ़ाते रहने से हमारा सुख बढ़ जाएगा? अगर नहीं तो फिर हम विकास को सिर्फ सुविधा के दायरे में कैसे सीमित कर सकते हैं? फिर तो हमें विकास के अर्थ में इन तीनों के लिए काम करना जरूरी है, समझ के लिए भी, संबंध के लिए भी, सुविधा के लिए। जी कमलेश जी कुछ कह रहे थे। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। जी हाँ सर, इसलिए मैंने सर एक टीवी लिखा, हमारे मन में वो आया, और कई घरों में चूंकि जाता भी हूँ, तो अगर एक टीवी रहेगा तो कई बार क्या होता है कि जैसे अब आजकल मोबाइल सबके पास में है तो अपने अपने कमरे में बैठ के मोबाइल में घुसा हुआ है, और एक कमरे में टीवी है तो समाचार सुनना है, कुछ करना, तो इस बहाने कम से कम अगर वहां पर लोग एकत्रित होंगे, परिवार परिवार के लोग,
तो आपस में कम से कम कुछ ना कुछ संवाद करेंगे और एक दूसरे के भाव को समझेंगे। ये तुलना तो ठीक है, बट यदि टीवी नहीं होगा तो भी साथ में बैठेंगे, टीवी सामने होगा तो टीवी में जो दिखाया जा रहा है उसको लेके बातें करेंगे, सामने नहीं होगा। जी जी जी, लेकिन आजकल क्या मोबाइल मोबाइल में बहुत ज्यादा लोग घुस जाते हैं सर, पूरा समय मोबाइल में चला जाता है। जी जी, और वो परिवार में इतना ज्यादा गैप बढ़ा देता है कि लोग महीनों संवाद नहीं कर पाते एक कमरे में रह के, एक मकान में रह के। आज परिवार की स्थिति ये हो चुकी है सर। आपस में संवाद हो बहुत जरूरी है ना। जी जी, प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बात किया था, इस पूरे जो वर्कशॉप की प्रक्रिया है, जो समझ की प्रक्रिया है कि कोई भी बात हमारे सामने आती है वो एक प्रस्ताव है, तो जो इस वर्कशॉप में आपके सामने बात आ रही है ये भी प्रस्ताव है, जो अन्य किसी स्रोत से सामने आए वो भी एक प्रस्ताव है, उसको भी हम मान न ले, जांचे। यहाँ जो बात कही जा रही है उसको हम जांचे, माने नहीं, और कैसे जांचेंगे, अपने अधिकार पे जांचेंगे। जब हम जांचने जाते हैं तो हमको अपनी एक सहज स्वीकृति दिखाई देती है, अधिकता की कुछ चीजें हमें सहज रूप से स्वीकार होती हैं, कुछ चीजें हमें सहज रूप से नहीं स्वीकार होती। इस सहज स्वीकृति पे जितना ठीक से ध्यान देते हैं उतना हमको बात स्पष्ट होती है और हमारी समझ बनती है। जब हम ध्यान देते हैं तो जीने के लिए भी प्रेरणा बनती है, उसको जी के देखा जाए, जीते हैं मानव के साथ तो व्यवहार करते हैं, शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हैं। तो अगर मुझे अपने आप में कोई बात स्वीकार हो, जीने में दोनों पक्ष को सुख मिले, दोनों का समृद्धि सुनिश्चित हो, तो हमको दिख जाता कि हाँ ऐसा ही है, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। ये दिख जाना कि ऐसा ही है, इसी को समझ कहा, अब कोई शंका नहीं रही, कोई द्वंद नहीं रहा, कोई अस्पष्टता नहीं रही, दिख गया अपने को कि मानव ऐसा ही है, संबंध का यही अर्थ है, समाज ऐसा ही होता है, ये हमको दिख जाए, समझ में आ जाए। ये गणेश जी हैंड रेज किए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं सिर्फ ये विचार रखना चाह रहा था कि प्राय ये देखने में आता है कि जो लोग अभाव में हैं, सुविधाओं का अभाव जिनके पास है, वो ज्यादा सुखी है। तो अभी आपकी बात से ये क्लियर हो गया कि वहाँ उनके बीच में यदि समझ है और सुविधाओं का अभाव भी है तब भी वो सुखी रह सकते हैं। ये तो दूसरी बात कही आपने, महत्वपूर्ण है, समझ है। परंतु देखिए, समझ के साथ सुविधाओं का अभाव भी क्यों होगा? अगर समझ होगी ना तो सुविधा की आवश्यकता को पूरा भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अभाव में जिए, अभाव ना हो, परंतु हम इतना भी संग्रह ना कर लें जिसकी आवश्यकता ना हो और उस संग्रह को बनाए रखने, बचाए रखने में ही हमारी सारी ऊर्जा चली जाए। अभी देखिए ज्यादातर घरों में ऐसा होने लगा है कि एक समय था जब सुविधा का भाव था, फिर कमाने लगे, फिर कमाते कमाते एक सीमा आ जाती जब दिख जाता कि पर्याप्त हो गया, परंतु आदमी करे क्या, तो आदमी को लगता है कि भाई और कुछ नहीं कर सकते तो सुविधा ही कमाओ। फिर अगर आपने बहुत ज्यादा सुविधा कमा के रख दिया परिवार में, तो पता चला कि बच्चे गैर जिम्मेदार हो गए क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, है ना। बच्चे गैर जिम्मेदार हो गए तो संबंध बिगड़ने लगे, फिर उसी सुविधा के लिए परिवार में झगड़ा फसाद शुरू हो गया। तो पहले एक अभाव लगता है, फिर दिखता पर्याप्त हो गया, फिर जब संग्रह में चले जाते हैं तो दिखता ना तो सुख बना, ना तो संबंध ठीक हुए और ना किसी के अंदर समृद्धि का भाव आया। अभी कई परिवारों में ऐसी स्थिति दिखने लगी है। तो अगर हम सुविधा की आवश्यकता को समझ लें, उसके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम सभी एक काम कर सकते हैं कि अभी से लेकर पूरी शरीर यात्रा में उसकी जो भी हम सीमा सोच लें, है ना, हमको कुल सुविधा की कितनी आवश्यकता है उसका एक आकलन किया जा सकता है और अपने लिए आकलन कर लें, है ना, और बच्चों के लिए सही शिक्षा की व्यवस्था कर दें। ये आवश्यक नहीं कि बच्चों के लिए हम बहुत सारा संग्रह करके रखें, इतना कर दें ताकि बच्चे सुशिक्षित हो जाएं, संस्कार उनको ठीक से मिल जाए। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर ही सकता है, बच्चे भी अपना अपने लिए उत्पादन कर लेंगे। अगर इस विधि से आकलन करेंगे तो हमको सुविधा की आवश्यकता और स्पष्ट हो जाती है, कितना पर्याप्त है। फिर हमको दिखता है कि ये जो शेष समय बच गया जीवन काल में, उसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो उसको संबंध के लिए लगाएंगे, समझ के लिए लगाएंगे, हम ठीक से तय कर लेंगे, अदरवाइज हम सुविधाओं में लगे रह जाते हैं। ठीक है जी सर जी, बहुत अच्छा। हम प्रस्ताव के रूप में ले सकते हैं इसको, अपने आप में जांच सकते हैं और जीकर देख सकते हैं, जिससे हमको दिखता है हाँ ऐसा ही है, यही समझ है। फिर हम लोगों ने सुख और समृद्धि को परिभाषित किया था कि मानव के मूल चाहना देखें तो सुख समृद्धि है, उसकी निरंतरता है।
वस्तु का मतलब भी क्या है, संगीत या व्यवस्था में होना। अंग्रेजी में क्या है, टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी, तो मेरे अंदर हार्मनी हो, मेरे विचारों में कोई अंतर्द्वंद अंतर विरोध ना हो, लय हो, सामंजस्य हो, मेरा एक विचार दूसरे विचार के विरोध में ना आ जाता हो, मैं अपने आप में तनाव में न रहता हूँ। वैसे ही अगर संबंधों में देखें, संबंधों में हार्मनी हो, इसको सुख का जीने के हर स्तर पर हमको हार्मनी सुनिश्चित हो जाए। और समृद्धि का मतलब कि सुविधा की आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव हो जाए। फिर हम लोगों ने मानव में संगीत अर्थात व्यवस्था को समझने का काम किया और देखा कि मैं और शरीर के बीच अस्तित्व कैसा है। ध्यान में आया कि मानव का मतलब दो तरह की इकाइयों का अस्तित्व, एक शरीर और एक मैं। तो शरीर एक जड़ इकाई जिसकी हर आवश्यकता जड़, पूरा करने की विधि जड़, क्रियाएं जड़, उसके निर्वाह की प्रक्रिया भी जड़। मैं चैतन्य इकाई हूँ, मेरी आवश्यकता चैतन्य रूप में है, पूर्ति चैतन्य वस्तु से होती है, सही समझ सही भाव, क्रियाएं भी चैतन्य है, निरंतर है, और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी चैतन्य है जिसमें जानना मानना शामिल है। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। ये आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये जो पिछले दो दिनों में हमने चर्चा की उसमें आपका अपने प्रति जो एक दृष्टि रहा है मानव के रूप में अपने आप को देखने का, अब जब मैं और शरीर दो तरह की वस्तुओं की बात हुई, मैं एक चैतन्य इकाई, शरीर एक जड़ इकाई, तो आपकी अपने प्रति जो दृष्टि है उसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं, उसमें हाँ या ना लिख के जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में। राजन जी कह रहे हैं आया जी, अभय जी कह रहे हैं आया, दीप्ति जी कह रही हैं आया, सब जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, जी कह रहे हैं। ये मौलिक बात है, कोई भी बात समझे जाएंगे ना तो समझने वाला चूंकि मैं हूँ तो मुझे मैं के बारे में तो क्लियरली समझ में आनी चाहिए बात। ये मैं क्या है, अगर इसी पे कंफ्यूजन है तो बाकी जो कुछ भी समझने का प्रयास करें उसमें कंफ्यूजन रहेगा ही। और मैं को समझ जाए तो पहले मानव को समझेंगे, फिर मानव में मुख्य इकाई मैं है ये बात ध्यान में आएगी, तो फिर मैं को समझेंगे। तो इस सेल्फ को, मैं को समझना एक मौलिक बात है। ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक अपने आप को शरीर मान के जीते हैं और जीने में सब चूके होती रहती है। अगर आप देखिए तो जितनी बात आगे हो रही है, जैसे आपने अपने को शरीर माना, सुविधा को सुख माना, वहां फंस गए, संबंध को शरीर के आधार पर माना, वहां फंस गए, समाज के लिए कोई योजना बनाई, सबको शरीर मानकर, वहां फंस गए, प्रकृति के साथ जीने गए, अपने आप को शरीर मानकर, वहां फंस गए। तो ये दिख पाना कि मानव के होने में दो तरह की इकाइयां शामिल है और मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, ये शरीर का भाग नहीं हो सकता। एक चैतन्य इकाई शरीर का भाग तो हो नहीं सकती, जड़ इकाई का भाग तो हो नहीं सकती, जड़ इकाई चैतन्य का भाग नहीं हो सकता। जी बालवीर जी ने हैंड रेज किया है। इस चीज को हम बिल्कुल भी क्लियरली समझ पाए हैं सर, कि दोनों की आवश्यकता अलग समझ पाए यहाँ पे। जैसे आपने बताया है कि मैं की आवश्यकता अलग है और शरीर के जो जड़ है उसकी आवश्यकता जो फिजिकल फिजिकली वस्तुओं से पूर्ण होती है। जी सर आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो यहाँ को नहीं, लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता को जो आपने डिफाइन किया अलग अलग तरीके से, मैं की आवश्यकता अलग है और शरीर की आवश्यकता अलग है, तब उसको अलग अलग हम समझ पाए सर। जी सर बहुत अच्छा, बहुत मन लगा के सुन रहे हैं आपके, काफी शेयरिंग आ रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने स्वयं में संगीत अर्थात व्यवस्था को समझने का काम किया और दिखता है कि स्वयं को समझने का मतलब क्या हुआ, अपनी ओर ध्यान देना। अपनी ओर ध्यान देते दिखता है कल्पनाशीलता चल रही है अंदर, क्या चल रहा है, इच्छाएं बनी हुई है, विचार चल रहे हैं, कुछ आशा बनी हुई है, इन सबको जो कि कल्पनाशीलता का। तो एक तो होश होता है अपने अंदर और इसमें थोड़ा समय लग सकता है कि आपके अंदर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति होश में आ जाना, इसमें समय लगता है कई बार, क्योंकि हमारा ज्यादातर ध्यान बाहर की चीजों पे है। बाहर से सिमट कर शरीर पे ध्यान आ जाए, अपने ऊपर ध्यान आ जाए और उसमें भी सिमट कर अपने कल्पनाशीलता पे ध्यान आ जाए, इसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, परंतु ये महत्वपूर्ण काम है अपनी कल्पनाशीलता को देखना। जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशा और इच्छा क्या होती है, थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। इच्छा मतलब मैं कुछ होना चाहता हूँ, ये इच्छा है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, समृद्ध होना चाहता हूँ, या मान्यताओं के आधार पर कुछ अगर इच्छा बन गई
मैं पैसे वाला होना चाहता हूँ, मैं यशस्वी होना चाहता हूँ, है ना, कुछ होना चाहते हैं ये इच्छा है, कैसे होगा ये विचार है, और बाहर कुछ हो जाए ताकि मैं सुखी हो जाऊं, लोग मुझे इज्जत दे दें, सम्मान कर दें, मेरा कोई पैर छू ले, मुझे कोई तमगा मिल जाए, कोई रिवॉर्ड मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, मैं फलानी वस्तु पालूं, ये जो बाहर से कुछ मिल जाए ये आशा है। धन्यवाद सर। जी राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जब आपने एक बात कही तो मेरे मन में एक बात आ गई तुरंत। आपने कहा कि बलबीर आपके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। मैंने महसूस किया है कि जब मेरा शुरुआती दौर था आज से 5 साल पहले का, तो मैं बातों से बहुत ध्यान लोगों का खींचने की कोशिश करता था, मतलब मेरे को लगता था कि एक सभा में मेरा प्रभाव स्थापित हो। पर धीरे धीरे जब जब मैं समझने के दौर में चल रहा हूँ और धीरे धीरे जब क्लियरिटी आ रही है तो मेरा मन बोलने का नहीं हो रहा, चुप रहने का हो रहा है। तो क्या बहुत सारे लोग जब चुप रहते हैं तो क्या उसके कोई अर्थ निकाले जाने चाहिए, पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई बात कहते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम प्रॉब्लम को मतलब ढूंढ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और जैसे ही प्रॉब्लम समझ में आता है तो हमको लगता है कि जीने का रास्ता सरल हो गया। मतलब समस्या को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपने कहा कि साहब जैसे चाहना और इच्छा क्या है, और जब आपने एक गहराई से उसको समझाया तो हमको समझ में, अब हम जब भी आगे बढ़ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो ये मन में आ जाता है विचार कि ये चाहना है कि इच्छा है, और जैसे ही लगता है कि ये मेरी चाहना नहीं है, ये मेरी सहज स्वीकृति नहीं है, तो तुरंत हमको आंसर आ जाता है और हमारे मन से वो इच्छा का विचार चला जाता है। तो ये दो बातें मेरे मन में है कि पहला हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं क्या, कि आप ठीक से समझो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। पहले हम कहते थे कि एक युद्ध खुद के विरुद्ध, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये युद्ध नहीं है खुद के विरुद्ध, बल्कि चीजों को समझना है ठीक से और आगे बढ़ना है। और दूसरा, जैसे ही चीजें समझ में आती, और मैं बहुत सारे कोटेशंस भी पहले पढ़ता था, कि अंतिम जो स्थिति है वो शांत होने की, आप शांति हो जाओगे जब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और ये बात मैंने महसूस भी की है कि जब जब आप कोई बात करते हो तो ऐसे लग रहा है कि अरे क्या है, कितना अद्भुत है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी 5-7-10 दिन हो जाते हैं और बातें समझ में आ जाती हैं तो ऐसे लगने लगता है कि नॉर्मल है। तो ये एक्चुअली क्या है, मतलब बोलना और शांत होना क्या है, जैसा मैं समझ रहा हूँ वो क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं थोड़ा तो एक उसको क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने बालवीर जी को नहीं कहा कि आप समझ रहे हैं, मैंने कहा आप बहुत मन लगा के सुन रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, समझने की बात मैंने की कि मन लगा के सुन रहे हैं, है ना, तो ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो जैसे रिस्पांस आता ना तो सबने पता लगता है कि ध्यान से मेरी बात आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही। ये बात ठीक है, जब मैं समझ पाता हूँ तो मैं अपने अंदर समाधानित होता हूँ। जब मैं समाधानित होता हूँ तो फिर मैं आवश्यकता अनुसार अपने आप को व्यक्त करता हूँ। तो संवाद की स्थिति में जब मैं समझने के क्रम में हूँ तो दोनों स्थितियां बन सकती हैं। अगर मुझे कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मैं प्रश्न करता हूँ, कोई बात समझ में आ रही है तो मैं उसको शेयर भी करता हूँ, और नहीं भी शेयर करता, मुझे समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, दोनों ही संभावना हो सकती है। तो ये तो निश्चित है कि समझने से स्वयं में तृप्ति होती है, है ना, और जब स्वयं में तृप्ति होती है तो फिर वो संबंधों में उभय तृप्ति के अर्थ में, उभय सुख के अर्थ में उसका निर्वहन होता है। तो जो शांत होना है वो तो है ही, कि जितना जितना मैं समझूंगा उतना उतना मेरे विचारों में शांति आएगी, उतना उतना मेरी इच्छा में निश्चितता आएगी, और वो सहज रूप से मेरे आचरण में जाएगा। उसको कई बार हम भाषा में व्यक्त भी करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं आवश्यकता अनुसार। अगर व्यक्त करने से उभय सुख होता है तो व्यक्त करते हैं, अगर व्यक्त नहीं करने से उभय सुख होता है तो व्यक्त नहीं करते हैं, दोनों ही संभावनाएं हैं। ठीक है, राजेंद्र जी ने बात रखी थी ना? जी सर जी, ठीक है, बात ठीक चली गई। ओके सर। तो कल्पनाशीलता के स्रोत को देखें तो 3 तरह के स्रोत दिखाई देते हैं। एक तो हमारी मान्यताएं हैं जो हमने मान लिया है बहुत सारी चीजों को जांचे बगैर। दूसरा संवेदना है जो शरीर से आती है, जैसे हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं उनसे हमको सूचना मिलती है, या फिर शरीर में जो कुछ घटित हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, जैसे अगर पेट गड़बड़ है उसकी सूचना आती है, कहीं अगर पैरों में चोट है उसकी सूचना आती है। ये सूचनाएं जो हम तक आती है,
जो हमको ज्ञानेंद्रियों से भी सूचना आती है वो दो विधि से आ सकती है, मानव के साथ व्यवहार करते हुए आ सकती है, किसी ने कोई शब्द कहा, कोई अपशब्द हमने सुना तो उसकी एक सूचना आती है, या ठंड लग रही है उसकी सूचना आ रही है, गर्मी लग रही है उसकी सूचना आ रही है। तो शरीर से जो मुझे सूचना आती है उसको संवेदना कहा। और ये जो हमने पहले से मान लिया है कुछ चीजें जाने बगैर, उसको मान्यता कहा। ये दो पुट है। और तीसरा है हमारी सहस्वीकृति, जो हमारा इनेट फैकल्टी है, जो हमारे अंदर है, मेरा स्वत्व है, तो मुझे अंदर से स्वीकार होता है। ये तीन स्रोत हैं। अगर आप इसमें जो करने काम हो, तो एक तो पहला काम यह है कि हमको ये होश हो जाए कि मेरे अंदर कल्पना चल रही है, दूसरा जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसके प्रति होश हो जाए, ये हमको दिख जाए कि जो भी मेरा व्यवहार कार्य है इसी कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर ही होने वाला है, तीसरा हमको इसकी जो तीन स्रोत है वो दिख जाए, फिर हम इसमें अगर आगे काम कर पाए ये निश्चित सुनिश्चित कर पाए कि हमारे अंदर जो भी कल्पनाशीलता चल रही है वो सहज स्वीकृति के आधार पर ही चल रही है, संवेदना या मान्यता के आधार पर नहीं। ये अपने आप में हो जाए तो मैं स्वतंत्र हो पाता हूँ, तब मेरे में समझ की पूर्णता होती है। तो समझ के आधार पर पूरी कल्पनाशीलता व्यवस्थित होती है, संगीतमय होती है। और इस क्रम में बहुत सारी मान्यताओं का मूल्यांकन भी होता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है, उन मान्यताओं पर जितना जितना ध्यान देंगे उतना उतना पाएंगे कि वो मूल्यांकित होती जाती है। और लेयर बाय लेयर बहुत सारे आपको मान्यताएं दिखाई देंगी, जितना हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं ना, जैसे ट्रस्ट को लेकर किया, रिस्पेक्ट को लेकर किया, परंतु ये वांछनीय है, ये हमारी एक वांछित स्थिति है। अल्टीमेटली मेरा विकास यही है कि मेरी पूरी कल्पनाशीलता समझ के आधार पर चले, बाकी सब कुछ इसके अर्थ में उपलब्धि यही है। ये ना हो शरीर के स्तर पर हम कुछ उपलब्ध कर लें, सुविधा के स्तर पर कर लें और ये रह जाए तो काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा होता है तो मैं निरंतर सुखपूर्वक जी पाता हूँ। फिर हमने शरीर के साथ मैं की व्यवस्था पे बात किया, इसे समृद्धि और स्वास्थ्य समझ में आया। तो दिखता है कि मेरे अंदर शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि शरीर एक साधन है मेरा। और जब ऐसा मेरे अंदर भाव होता है तो मैं सुविधा की आवश्यकता को बहुत बारीकी से पहचान पाता हूँ। भोजन क्या है, किसको भोजन कहेंगे, किसको भोजन नहीं कहेंगे। मजे की बात है, 5000 साल के इतिहास में मनुष्य अभी तक अगर समाज की स्थिति को देखें, अपने भोजन को नहीं समझ पाया कि भोजन क्या है, जिसको हम रोज लेते हैं, किसको भोजन कहेंगे, किसको भोजन नहीं कहेंगे। इनफैक्ट इस पर हम लोग थोड़ा और समझेंगे आज, कि जब तक प्रकृति हमको पूरी समझ में ना आए भोजन भी समझ में नहीं आता, किसको कपड़ा कहेंगे, मकान कहेंगे, है ना, किसको साधन कहेंगे और इसकी आवश्यकता कितनी है। तो ध्यान से देखने दिखता है कि जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है तीन ही कारणों से होती है, पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में। पोषण के अर्थ में भोजन की जरूरत है, थोड़ा एरो यहाँ लगना था, पोषण के अर्थ में भोजन की जरूरत है, संरक्षण के अर्थ में कपड़ा मकान की जरूरत है, सदुपयोग के अर्थ में साधन की जरूरत है, और इनके सब मात्रा सीमित दिखाई देगी। इसका जो नेचुरल आउटकम है वो स्वास्थ्य है, कि जब मेरे अंदर ऐसी जिम्मेदारी का भाव होता है तो शरीर मेरा स्वस्थ रहता है, तो मेरे अनुसार कार्य करता है, मैं चाहता हूँ उठूं बैठूं चलूं काम करूं, शरीर कर पड़ता है। और उसके साथ एक और बात होती है कि मेरे शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों के बीच में हारमोनी होती है, व्यवस्था होती है, लय होता है, मेरा हार्ट ठीक से काम कर रहा है, किडनी ठीक से काम कर रहा है, लीवर ठीक से काम कर रहा है। अभी स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से अभी बच्चों का तनावपूर्वक जीना हो रहा है, जिस तरह की शिक्षा बना दी है, 30s आते आते बहुत सारे बच्चे शुगर की बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं, हार्ट की ट्रबल शुरू हो जा रही है, 40s में आते थे हार्ट ट्रबल शुरू हो जा रही है। इसका मतलब कि अभी हम इस बात को ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। तो समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम होगा, दूसरा स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम होगा। तो समृद्धि के लिए दिखता है कि जो आवश्यक सुविधा है उसकी ठीक से पहचान हो जाए, तो जो हमको दिख जाएगा कि तीन ही मध्य है, तीन ही कारण है जिससे सुविधा की जरूरत है, उसको ठीक ठीक पहचान पाते हैं। यहाँ करने योग्य काम ये है, हम सभी अपने घर में जितनी भी सुविधाएं हैं उनका एक बार अवलोकन करें और ये देखें उसमें कितनी सुविधाएं शरीर के पोषण के अर्थ में है, कितनी संरक्षण के अर्थ में है, कितनी सदुपयोग के अर्थ में है और कितनी उससे अन्यथा है। ये करने का काम है। अगर आप उसको ठीक ठीक करने जाएंगे ना, तो घर में बहुत सारी सुविधाएं दिखाई देंगी जो अन्यथा है, यानी या तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो अनावश्यक वस्तु है, या आवश्यकता से बहुत अधिक है, ऐसा भी दिख सकता है। इसको हम आकलन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव हो जाए, है ना, ये समृद्धि है। इसलिए दो काम करने होंगे, एक तो आवश्यक सुविधा का निर्धारण हो जाए जो सही समझ से हो पाता है, दूसरे उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन को सुनिश्चित कर पाए
जो सही हुनर से होता है, जिससे उनको भौतिक रासायनिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना होता है, उनको पूरा करना होता है, उत्पादन करना होता है। हम समृद्ध हैं कि दरिद्र हैं, इस बात से पता लगता है कि मेरे अंदर भाव क्या है, दूसरे के पोषण करने का भाव है या शोषण करने का भाव है, सदुपयोग करने का भाव है या संग्रह करने का भाव है। संग्रह करने का भाव है तो यानी दरिद्र महसूस कर रहे हैं, सदुपयोग करने का भाव है समृद्ध महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम देखें तो दिखता है कि चार प्रकार के कार्यक्रम है। आहार विहार यानी ठीक से भोजन लें और शरीर का ध्यान रखें, श्रम व्यायाम शरीर से आवश्यक श्रम करें, नहीं हो पा रहा तो व्यायाम करें, फिर आसन प्राणायाम तो शरीर के अंगों को हार्मोनाइज करने के लिए नियमित ढंग से चलाने के लिए आसन प्राणायाम कर सकते हैं। अगर इन सबसे बात न बने, ये अभाग में जितना लिखा है इससे बात न बने, ये स्वस्थ रहने के लिए निश्चित कार्यक्रम है जिसको हमको नियमित रूप से करने की जरूरत है, इससे बात न बने तो फिर व कार्यक्रम में जा सकते हैं कि अस्थायी रूप से अगर शरीर बीमार पड़ गया, रुग्ण हो गया, उसके लिए औषधियों की व्यवस्था करें। और ये अंतिम विकल्प है कि हमको दवा या मशीन पर निर्भर होना पड़े, अंतिम विकल्प। इसके बाद हमने प्रकृति परिवार में संगीत यानी व्यवस्था की बात की। उन्होंने परिवार में जैसे ध्यान देते हैं तो संबंध ध्यान में आते हैं, संबंध दिखता है कि मैं का मैं से है। तो जो हमने मानव को समझा मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में, तो संबंध भी दिखता है मैं का मैं से है। शरीर साधन है मेरे लिए भी, अगले व्यक्ति के लिए भी। ये भाव भी कहाँ है, मुझ में, अगले व्यक्ति में। ठीक है, मैं आपसे इस बीच में एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए कि जितनी हम लोगों ने चर्चा की अभी तक उससे आपके अंदर समृद्धि के भाव में कोई शिफ्ट हुआ कि नहीं, उसको हाँ या ना कह के जवाब दे सकते हैं। समृद्धि के भाव में, जी राजेंद्र जी ने हाँ कहा है, समृद्धि के भाव में कोई शिफ्ट हुआ कि नहीं। अभय जी कह रहे हैं, दीप्ति जी कह रही है, मुकेश जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा, रमेश जी कह रहे हैं, कमलेश जी कह रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिस समृद्धि को हम बहुत सारा सुविधा संग्रह करके सुनिश्चित नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाते, उसको हम बैठे बैठे पूरा कर लेते हैं सिर्फ समझ से। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये समझने का। शायद उदाहरण आया होगा, मैं उसको नहीं तो रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग कहीं कानपुर में एक कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ शिविर कर रहे थे। ब्रेक का टाइम था, टी ब्रेक था, सभी लोग चाय पी रहे थे। तो बच्चों से पूछ लिया गया, भाई बताओ कितने चाय से एक कप भर जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा 350 ml कैलकुलेट करके। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट आपने ये देखा कि कप तभी भरेगा जब उसमें पेंदी लगा हुआ है। फिर बच्चे हंसने लगे, कप में पेंदी तो होता ही है, बिना पेंदी का कप कैसा होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है ना, वैसे तो हमको इस पे ये हास्यास्पद बात लगती है, परंतु वैसे ही अपने बारे में अगर देखें, अगर हमें ये ना पता हो सुविधा की आवश्यकता कितनी है तो कभी समृद्धि का भाव आएगा क्या? नहीं आएगा, एक बॉटमलेस कप जैसा हो जाता है। तो संबंध हमको समझ में आता है मैं का मैं से, संबंध भाव है एक मैं में दूसरे मैं के लिए, और ये भाव को निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है। इनको जब हम निर्वाह करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उभय सुख होता है, दोनों को सुख मिलता है। इन भाव को पहचाने जाते हैं तो ये कुछ भाव दिखते हैं अपने को। आधार में ट्रस्ट दिखाई देता है, विश्वास दिखाई देता है, सम्मान है, स्नेह है। तो आज हम स्नेह से लेकर प्रेम तक की बात करें, कल हमने विश्वास सम्मान की बात की थी। लव के बारे में, प्रेम के बारे में दिखता है कि पूर्ण मूल्य है, यानी संबंध की पूर्णता है, भाव की पूर्णता है। यहाँ पर विश्वास को जब कल चर्चा शुरू की तो ये दिखता है कि सारी समस्या इस बात में, संबंधों में, कि हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है, चाहना पे शंका हो गई है, यही अविश्वास है। और थोड़ी जांच पर करेंगे तो दिखता है कि मैं तो सहज रूप से किसी को दुखी नहीं करना चाहता, और मैं दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा हूँ, इसका मतलब दूसरा मुझे दुखी नहीं करना चाहता। तो सहज रूप से दूसरा मुझे दुखी नहीं करना चाहता, मैं भी सहज रूप से किसी को दुखी नहीं करना चाहता। ये बात हमको विचार से तो दिख जाती है, ये बात हमको भाव के स्तर पर दिख जाए, अपने अंदर ये बात स्थापित हो जाए, हमारे चिंतन में आ जाए कि बेसिकली कोई भी मनुष्य किसी दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता है, दुखी होता है तो दुखी करता है। वही मेरे साथ भी है, मैं जब दुखी होता हूँ दूसरे को दुखी करता हूँ। अगर मेरे पास समाधान नहीं है, समझ नहीं है, तो जैसा सोचता हूँ वैसा आचरण करता हूँ, उसमें मुझे भी दुख मिलता है, अगले को दुख मिलता है। यही बात अगले के लिए भी लागू होती है कि अगर उसने नहीं समझा है तो गलतियां करेगा, उसमें उसको भी दुख मिलता है, हमें दुख मिलता है।
एक छोटा सा उदाहरण ले, जैसे जिस कमरे में बैठा हूँ अगर उसे बाहर निकलना है और मुझे पता ना हो कि दरवाजा कहाँ है, तो कभी मेरा सर दीवार में टकराएगा, कभी छत में टकराएगा, कभी फर्श में टकराएगा, कभी किसी कोने में टकराएगा, कभी खिड़की से टकराएगा। अगर देख जाए कि दरवाजा किधर, दरवाजे से निकल जाएंगे, और एक बार दिख गया तो भूल से भी दीवार में नहीं टकराएंगे, भूल से भी खिड़की से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा है। तो ये बात हमको समझ में आती है, जब तक मनुष्य के अंदर समझ नहीं होगी वो गलतियां तो करेगा ही, और समझ हो गई तो गलती कभी नहीं करेगा, तो भूल से भी गलती नहीं होगी। अब ये बात हमको एक कमरे का उदाहरण लेके तो समझ में आता है, यही बात हमको संबंधों में भी दिख सकता है कि अल्टीमेटली चाहने में कोई कमी नहीं है, समझ के अभाव में व्यक्ति स्वयं भी दुखी है, दूसरे को दुखी कर रहा है, वैसे ही मैं हूँ वैसे ही अगला व्यक्ति है। ये बात स्पष्ट हो जाए, यहाँ टिक मार्क लग जाए, यही विश्वास है। तो हमको दिख जाए कि चाहना यानी सहज स्वीकृति हर एक में जैसा है, योग्यता में कम ज्यादा है। कल तक जितनी हमने बात की उसमें थोड़ा आपसे एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ कि आपको अपने विश्वास के भाव में कुछ शिफ्ट दिखा कि नहीं, दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति बढ़ी है कल से, कल से जितनी हमने बातचीत की, आपका थोड़ा रिफ्लेक्शन लेते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। जी दीप्ति जी कह रही है बढ़ी है, वर्णा जी कह रही है बढ़ी है, अभय जी कह रहे हैं हाँ। विजय कुमार जी हैंड रेज किया, कोई प्रश्न हो तो बताएं। गुड मॉर्निंग सर, आपके साथ साथ चलते हुए कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, वो परिलक्षित भी हो रहे हैं। जैसे अभी कल की परसों की बात है कि मेरा भांजा जिस समय हम इस सत्र को ले रहे थे, सवेरे के समय जो है जिस सत्र के दौरान बहुत तत्परता से अपनी बात रखना चाहता था, वो किसी विवाद के संदर्भ में थी, और मैंने उससे कहा नहीं अपन शाम को बात करेंगे, तुम बिल्कुल शांत रहो आराम से। और शाम को जब मैंने उससे बात की तो समझाया, तो मैंने आप ही की जिस आपसे जो समझ प्राप्त हो रही उसी के अनुरूप ही था, लेकिन भाव यानी कहते हैं कि क्रोध या उग्रता जैसे या जो भाव रहता है खुद का, उस भाव में रहते हुए उसको समझाया था, और जिससे कि वो ये ना सोचे कि मामा मेरा फेवर करें। और आज ये महसूस हुआ कि उससे मुझे एक बार बात और करनी है जिससे वो मेरी जो बात थी उसको वो समझ पाए। जैसे अभी अपन समझ रहे हैं कि ना दूसरा व्यक्ति, ये बात उसको भी मैंने ट्रांसफर करी थी कि वो उसकी स्थिति को समझो, सामने वाला तुम्हें दुखी कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, परेशानी कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ और गहराई समझने में आया है। और जहाँ तक समृद्धि वाले में अपन थोड़ी बात कर रहे हैं, तो पहले अपन लगता था कि अपने आंसर करने में यस भी लिखें, लेकिन अब आप लोगों के साथ साथ रहते लगता है कि वाई लिख दिए, ये भी यस ही है। तो ये दो छोटे छोटे चीजें हैं जो तो आपके सामने रखी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो विश्वास का भाव हमें स्पष्ट हुआ, हमने सम्मान के भाव को लेकर बात किया, तो दिखता है कि योग्यता में कमी हो सकती है, चाहना में किसी कमी नहीं है। उन्होंने सम्मान को जब समझा तो दिखता है कि सम्मान का मतलब सही आकलन, राइट इवैल्यूएशन, जैसा मैं हूँ वैसा मेरा आकलन होता है तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं चूक होती है, इसको अपमान कहा। और तीन तरह से चूक होती है, अधिक आकलें, कम आकलें, अन्यथा आकलें, तीनों ही चूक जो है गलत मूल्यांकन हो जाता है, सही आकलन नहीं होता। सम्मान का सम प्लस मान, ठीक ठीक आकलन करना, ठीक ठीक आकलन करने जाते हैं तो दिखता है कि हर मनुष्य में एक ही सहज स्वीकृति है, एक ही प्रकार की भेद नहीं है सहज स्वीकृति में। हर मनुष्य के लिए समझने का कार्यक्रम भी एक समान है, स्वयं में जांच परख, ऐसा नहीं कि मैं तो समझूंगा जांच परख से अगला समझेगा हमारे दबाव में। कई बार ऐसा होता है ना, सोचते हमसे तो कोई बात कही जाए तो प्रस्ताव के रूप में कोई हम पर दबाव ना डाले, बट हम जब बात करते हैं दूसरे से दबाव डालने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैं प्रस्ताव पूर्वक समझता हूँ, जांच परख के समझता हूँ, वैसा दूसरा ही प्रस्ताव पूर्वक ही समझेगा। जैसा मुझे समय लग रहा है समझने में, वैसा अगले को भी लगेगा। और हम सब में क्षमता है, क्योंकि हम सब में इच्छा की क्रिया हो रही है, विचार हो रहा है, आशा बनी हुई है,
ये क्रियाएं तो हैं, मुझ में भी है, अगले में भी है, पढ़ा लिखा हो तो भी, अनपढ़ हो तो भी, गांव का हो तो भी, शहर का हो तो भी, इस युग का हो तो भी, इसके समय का हो तो भी। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा इसको स्पष्ट करें, हमारी क्षमता समान है। क्षमता समान होने का मतलब कि वो जो कल्पनाशीलता की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो कल्पनाशीलता हर एक मय में है, इच्छा की क्रिया हर एक मय में है, विचार की क्रिया हर एक मय में है, आशा की क्रिया हर एक मय में है। नहीं, इच्छा की क्रिया तो सब में है और कल्पनाशीलता सब में है, बट जो एक्शन का लेवल है, क्षमता जब दिखती है वो कब दिखती है, एक्शन के लेवल पर दिखती है कि कौन कितना कर पाया है। तो क्या हम इसको कल्पनाशीलता मान रहे हैं क्षमता को, या एक्शन को देख रहे हैं? एक्शन जो है वो योग्यता है। ओके, तो आपकी कल्पनाशीलता का कितना विकास हुआ है ये आपकी योग्यता है। ठीक है, इच्छा का कितना विकास हुआ है, विचार का कितना विकास हुआ है, आशा कितना विकास हुआ, क्रिया तो है ही अपने आप में, पर विकास कितने, ऐसा भी हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, है ना। अब अगर ठीक से देखें तो हमारी इसमें इच्छा विकसित हो रही है, है ना, विचार हमारा विकसित हो रहा है, फैल रहा है, अब हम ठीक से देख पा रहे हैं चीजों को, आशा विकसित हो रही है, तो हमारी कल्पनाशीलता विकसित हो रही है, तो हमारी योग्यता बढ़ रही है। क्षमता तो हमें पहले भी थी, आज भी है, आगे भी होगी, जो नहीं वर्कशॉप में उनमें भी वो क्षमता है। तो क्षमता हर मनुष्य में एक समान है जी। जी सर, सम्मान के उसमें मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा कि जैसे मैंने कोई वर्क किया और मेरे कार्य के आधार पर मुझे पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार मुझे दिया गया, लेकिन मुझसे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगे शायद उनके लिए उनकी नजर में मैं सम्मानित नहीं हूँ कि शायद इनको इस कार्य का इनने ऐसा किया नहीं है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है लेकिन इनको सम्मानित किया जा रहा, तो फिर कैसे मानेंगे कि ये सम्मान हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे सहज स्वीकृति वाली बात कर रहे हैं कि वो जो सभी के लिए समान हो, मतलब किसी भी तरह से मतलब अपमान का भाव ना हो, तो वो सम्मान है। देखिए, अगर हम चाहना को देखें तो अभी भी हम एक दूसरे को सम्मानित करना तो चाहते ही, परंतु जिस तरह जितना समझ पाते हैं उसके अनुसार योजना कार्यक्रम बनाते हैं, तो समाज में किसी ने कोई कार्य किया उसको हम सम्मानित करते हैं, यहाँ हमने सम्मानित किया तो हमने सही आकलन समाज के सामने प्रस्तुत किया, किस व्यक्ति ने कुछ सार्थक किया। अब अगर हमारे आकलन में चूक हो गई, यानी हमें समझ की कमी है, इतना ही है, परंतु हम समाज में कोई सार्थक काम करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे, तो चाहेंगे किसी सूचना समाज में जाए तो उसको सम्मानित करते हैं, यानी उसका जो सही आकलन है समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें कुल मिला के समझ आया कि यदि मान के चलो ठीक है आपको मन पे सम्मान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैसेज है कि शायद उनको ठीक नहीं लगा, तो वो सही से आकलन नहीं हुआ। वही तो ऐसा हो सकता है कि, तो आकलन में भेद हो सकता है, हम एक तरह से आकलन करते हैं, अगला दूसरे तरह से आकलन करता है, किसी व्यक्ति के किए गए कार्य को कोई श्रेष्ठ मानता है, कोई नहीं मानता है, मानने में तो वेरिएशन होता ही है, और ये भी हो सकता है कि श्रेष्ठ कार्य नहीं है फिर भी अपनी मानना के आधार पर उनको एक प्रकार से समाज के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, ये भी हो सकता है, तो ये सारे वेरिएशन हो सकता है, जीने में तो पूरा वेरिएशन दिखता ही है, इन तीन आयाम में कोई वेरिएशन नहीं है, लक्ष्य में, कार्यक्रम में, क्षमता में। तो ऐसा मतलब मेरा भाव ये है कि ऐसा किस प्रकार का कार्य के वो सर्वमान हो, तो वो शायद सर्वमान न हो तो वो फिर सम्मान की दृष्टि में ही आएगा वो फिर। देखिये, जो कार्य सर्वमान्य होगा वो तो सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करना है, जैसे अगर किसी व्यक्ति में सही समझ हो, सही भाव हो, उसका व्यवहार कार्य सही हो, तो सभी स्वीकारते हैं, सहज रूप से स्वीकारेंगे कि नहीं। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सर। अनीता जी, मैं एक बात करना चाहता हूं सर, एक जिज्ञासा है सर, बोलूं क्या सर? जी अच्छा ठीक है, सुधीर जी कहें, फिर अनीता जी कहेंगे, फिर रमेश जी। जी सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया हूँ समझ को लेके, कि अभी जैसे यहाँ पर अपने 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको तो आपका सानिध्य मिल गया, तो एक समझ विकसित हो गई। अब हम अपने जगह पर तो अकेले ही हैं, अब हम जब लोगों के साथ लोक में व्यवहार करते हैं तो वहाँ समझ का अभाव हो सकता है, तो एक मतलब क्या कहूँ मैं, ना समझो कि अगर संख्या बहुत अधिक होगी तो उनकी नजर में तो हम ना समझ होंगे,
और हमारी नजर में वो ना समझे तो उनके साथ व्यवहार कैसे सर बन पाएगा? कुछ मतलब बहुत ही वैलिड प्रश्न है। देखिए उसमें होता ये है ना कि हम अपने आप को समझदार कह के समाज में नहीं जाते। इनफैक्ट आप देखिए तो हमें से किसी व्यक्ति ने अपने आप को समझदार नहीं कहा है। हम सभी जाते हैं समझने के क्रम में। तो हम जब जाते हैं समाज के सामने बिना तो हम कहते हैं हम भी समझने के क्रम में हैं और जितनी बात समझ पा रहे उतना आपके सामने रख रहे हैं, प्रस्ताव पूरा रख देंगे। इसको जांचने और जीने के क्रम में भी मैं लगा हुआ हूँ। इस विधि से क्या हुआ, एक संबंध का भाव भी बनता है और दूसरा व्यक्ति हमसे समझने के तत्पर भी हो पाता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, वैसे अगला व्यक्ति कहता है तुम ही समझदार हो, हम क्यों नहीं है, और फिर वहां पे विवाद शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इस बात की आवश्यकता ही नहीं है कि हम क्लेम करें कि मैं समझदार हूँ। हम समझ के प्रस्ताव को रख दें और अगले को समझने में सहयोग करें। और जो कल पूरकता की बात हो रही थी, अभी आगे निष्कर्ष निकलता है कि ये पूर्ण सम्मान है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूरकता का भाव निकल कर आता है। तो साथ साथ जीते हुए जब दो लोग साथ साथ जी रहे हैं और दोनों में ही ये तीनों तो समान है, लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता, परंतु योग्यता समान नहीं है, तो ये कार्यक्रम निकल कर आता है। यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार अधिक जिम्मेदार है तो मैं उसे समझने के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ तो जिम्मेदारी को जीतता हूँ उसके साथ पहले। तो जो आपने बात कही ना, तो ऐसा नहीं कि मैं समाज में जाके सीधे लोगों को समझाना शुरू करूंगा। इनफैक्ट ये एक सुझाव भी हम सभी के लिए कि कम से कम 4-6 महीने तो अपने ऊपर ठीक से काम किया जाए ताकि लोगों को हमारे जीने में वो एक परिमार्जन दिखाई दे, हमारे व्यवहार में, हमारे काम करने के तरीके में, शरीर के रख रखाव में, खान पान में, रहन सहन में, है ना, भाषा में। जब वो दिखता है तो दूसरा व्यक्ति हमसे आश्वस्त होता है। तो दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब जाकर दूसरा हमसे समझने के लिए तत्पर होता है। जब वो तत्पर होता है तब मेरी बात को प्रस्ताव के रूप में ले पाता है, आश्वस्त हो पाता है, जांच पाता है। और यही साथ साथ जीने का कार्यक्रम है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, ये पूरकता है, ये पूर्ण सम्मान है। तीन तीन आयाम में तो हर व्यक्ति मेरे जैसा है। योग्यता में वेरिएशन है, योग्यता में वेरिएशन के साथ मैं एक पूरकता के अर्थ में कार्यक्रम बना पाता हूँ। जी जी, राजानंद संस्थान की ओर से जो हम अलब्राम से गुजरते हैं सर, तो बालवीर जी एक मिनट, अनीता जी ने अनम्यूट किया हुआ है काफी देर से, अनीता जी को सुनते हैं। जी आपने आगे अभी जो चर्चा करी उससे मेरी जो बात थी उसमें स्पष्टता आ गई है प्रश्न में। अच्छा, अभी आपकी जो चर्चा से मुझ में स्पष्टता आ गई उसके प्रति। सुनीता जी ने भी अनम्यूट किया था। जी सर, सादर प्रणाम। सर मैं लगातार सुन रही हूँ, काफी कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन सर अभी अपन ने जो बात करी है क्षमता वाली, सर उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण यह चाहूंगी कि लक्ष्य एक हो सकता है, उद्देश्य एक हो सकता है, लेकिन सर अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं ना कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, कभी किसी की बराबरी ना करें। तो सर मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि इस पर अगर हम थोड़ा सा 10-15 मिनट और चर्चा करके स्पष्ट करें तो शायद हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा क्षमता को लेकर के। यही निवेदन था सर आपसे। जी मैं उसको संक्षेप में रख देता हूँ। तो क्षमता का मतलब ये हुआ कि मैं में क्रियाएं हो रही है, जो हमने पहले भी ओपन अप किया था ना, तो यही रख लेते हैं। तो मैं में क्रियाएं हो रही है, वो क्रियाएं हर एक मैं में हो रही है, इच्छा हर व्यक्ति के अंदर है। जैसे कोई गांव का व्यक्ति है उसके अंदर भी इच्छा हो रही है, जो शहर के व्यक्ति उसके अंदर भी इच्छा हो रही है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसके अंदर भी इच्छा हो रही है, जो पढ़ लिख गया उसके अंदर भी इच्छा हो रही है। इच्छा अलग अलग प्रकार की होगी बट इच्छा की क्रिया तो हर एक में है, ये बात ठीक है क्या ना? जी 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 सर, है ना। वैसे विचार हर एक में चल रहा है जी। हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर हो तो उसको डॉक्टर के पेशे से जुड़ा विचार चल रहा है, कोई व्यक्ति घर बनाता हो घर बनाने के मुद्दे से जुड़ा विचार चल रहा है, कोई घर में भोजन बनाता हो भोजन को लेकर विचार चल रहा है, विचार हर एक में चल रहा है। वैसी आशा जो है वो हर एक में है कि सुखपूर्वक जिए, समृद्धि पूर्वक जिए, संबंध अच्छे रहें, है ना, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये आशा हर एक में है। तो क्रिया के रूप में देखें तो क्रिया तो हर एक में विद्यमान है, यही क्षमता है। उस क्रिया को मैं कहाँ लगा रहा हूँ, तो कहते हैं कल्पनाशीलता को मैं किस बात पर केंद्रित कर रहा हूँ, वो अलग अलग हो सकता है। तो कोई डॉक्टर है तो हो सकता है इलाज की व्यवस्था के ऊपर ध्यान दे रहा है,
कोई घर बनाने वाला है वो घर को बेहतर बनाने से ध्यान दे रहा है, कोई खेती किसानी करने वाला है वो खेती को बेहतर बनाने के लिए ध्यान दे रहा है। तो जहां ध्यान देंगे उसके अनुसार हमारी योग्यता बढ़ेगी। तो किसान जितने अच्छे से खेती कर सकता है एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा, एक डॉक्टर जितने अच्छे से सर्जरी कर सकता है और किसान नहीं कर पाएगा। तो योग्यता अलग अलग हो गई सबकी, बट क्षमता में तो कोई कमी नहीं रही। जी सर, अब स्पष्ट हुआ सर कि बिल्कुल केंद्रीय भाव से आपका तात्पर्य था कि हर केंद्रीय भाव के आधार पर हमको कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सर धन्यवाद सर जी। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, केंद्रीय भावना की मैं क्रिया की बात कर रहा हूं, क्रिया को देखना शुरू करें, इच्छा की क्रिया है कि नहीं, विचार क्रिया है कि नहीं, आशा क्रिया है कि नहीं, हर एक मायने में। जी सर, थैंक यू सर जी। जी बालवीर जी कुछ कह रहे थे, मैंने रोक दिया था। जी सर, हमारे आचार्य जी ने जो विचार रखा था तो वही हम कह रहे हैं कि हम जो अल्ब्राम की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तो हम प्रस्ताव के रूप में ही रखते हैं कि शायद हमने अपने आप को जिया है और हमने ये अनुभव किया है और हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम किसी पे थोप नहीं रहे हैं कि आप इसके लिए जियो, लेकिन आप अपने आप में अनुभव करें तब इसको स्वीकार करें, ये यही इसी की प्रक्रिया है अल्ब्राम की। जी सर, बहुत अच्छा। तो ये सम्मान के साथ हमको दिखता है, पूरकता दिखती है, तो दिखता है कि मेरी अपनी एक स्थिति है जो यहाँ पे मान ली दिखाया गया है, मेरी इतनी योग्यता है और इतना सम्मान्यता संवेदना ग्रस्त है, किसी की अलग तरह की स्थिति है, किसी की अलग तरह की स्थिति है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार जी रहा है। परंतु अगर ऊपर वाली चीज को देखें दिखता सब में समान है, चाहना समान है, क्षमता समान है, ना कार्यक्रम समान है, योग्यता में भिन्नता है। अब इस योग्यता के साथ दो कार्यक्रम हो सकते हैं, या तो हम संघर्ष करें एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा बताने के लिए, सम्मान का भाव रखते हैं अपने अंदर तो हर एक के प्रति पूरक हो पाते हैं, यानी हर एक की योग्यता को बढ़ाने में हम पूरक हो पाते हैं। तो परिवार में हम माँ पिता भाई बहन एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं, कार्यस्थल पे सारे सहकर्मी एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं, है ना, पड़ोस में हम एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं। और पूरकता के बहुत अनिवार्य कार्यक्रम है कि समझ को केंद्र में रखा जाए, समझ को पहली वरीयता दी जाए, तो हम एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं। और काफी आपको इसमें एक शिफ्ट दिखाई देगा, इनफैक्ट हमने खुद देखा है कि अगर कॉलेज में फैकल्टी वर्कशॉप कर लें तो आपस में जिस तरह की हार्मनी रहती है वो उसके पहले नहीं दिखता है। एक बार वर्कशॉप कर लेते हैं समझ में आता है, वर्कशॉप करना मतलब समझने पे ध्यान देना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी वर्कशॉप से, समझने पे ध्यान देना। तो एक बार समझने पे ध्यान देते हैं तो हमारे आपस की हार्मनी बढ़ जाती है, एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंटैरिटी का सेंस बढ़ जाता है, तो ये कार्यक्रम निकल कर आता है। जी कोई हैंड रेज किए थे, गणेश जी हैंड रेज किए हैं, इतनी बात हमने कल तक की थी। अब इसके सर मैं आचार्य जी ने एक बात रखी थी कि हम समझ के स्तर पर हैं और दूसरा एक व्यक्ति है वो समझ लीजिए कि चूंकि इस तरीके के प्रशिक्षण या विचारों में नहीं है तो वो इस तरीके की समझ उसकी नहीं है, तो दोनों के बीच में एक दिक्कत जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक विचार मेरा आ रहा है कि बहुत सारे लोग अप्रशिक्षित है जिन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है, बहुत सारे लोग अनपढ़ है और लेकिन वो उनकी समझ पहले से इस संबंध में बनी हुई है, मतलब अभाव में भी वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो किसी प्रकार के इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से या शिक्षा से नहीं भी जुड़े हैं तब भी उनके अंदर ये समझ तो है। जी हो सकता है ना, देखिए क्या हुआ, और वो समृद्ध भी है सुखी भी है, उसको थोड़ा ओपन कर लें। मतलब ये हो सकता है कि तुलनात्मक रूप से अधिक सुखी है, निरंतर सुखी है कि नहीं, ये थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है ना, उसको थोड़ा ओपन रखें भी। परंतु ये हो सकता है, देखिए पढ़ने लिखने से हमारी समझ बढ़ रही है, हमारी मान्यताएं बढ़ रही है, ये तय करने की बात है। जी जैसे अपने एक साथी है पवन गुप्ता जी, उन्होंने संस्था शुरू की थी हिमालयों में उत्तरांचल का एक हिस्से में, और वहां पे वो बहुत सारे प्रयोग करते रहे, तो कुछ प्रयोगों को शेयर करते हैं और वो शेयर मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, वो जो आप बात करें ना उसके संदर्भ में। उन्होंने 4-5 गांव में जाकर स्कूल शुरू किए और ऐसे 5-6 वर्ष तक वो करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार फीडबैक लिया जाए गाँव के लोगों से कि क्या निष्कर्ष निकला, तो उनको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे उनके काम को, बट उनको जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा नहीं मिला। इनफैक्ट फीडबैक कुछ ऐसा मिला कि हमारे बच्चे पहले बेकार थे अब आपने उनको बर्बाद कर दिया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं देखिए ना, ये लड़का जो पहले है ना
पिताजी हाँ। के साथ साथ खेत में जाया करता था, हल चलाया करता था, जो भी खेती बाड़ी में सहयोग करता था। अब जब से ये स्कूल जाने लगा है ये जींस पहन के जेब में हाथ डाल के घूमता है ना? और जो लड़की है वो भी माँ का सहयोग नहीं कर रही और वो भी ज्यादातर समय अन्य कार्यक्रमों में लगाती है ना? इस तरह की चीजें जो तो ये तो बर्बाद हो गए बच्चे हमारे, उससे अच्छा होता कि आप नहीं करते। तो उनको समझ में आया कि अल्टीमेटली शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, शिक्षा का मतलब तो बच्चे के अंदर सही संस्कार विकसित करना, समझ विकसित करना, भाव विकसित करना है। पढ़ना लिखना उसका एक भाग है, पढ़ने लिखने से उसको संप्रेषित करना आसान हो जाता है, पढ़ने लिखने से सूचना ग्रहण करना आसान हो जाता है, इतना तो जरूर है ना। परंतु पढ़ना लिखना संपूर्ण शिक्षा नहीं है। और मैं उदाहरण दूंगा कैसे मान्यताएं बनती है ना। उन्होंने एक प्रयोग शेयर किया था कि एक बार क्या हुआ, क्लास सिक्स के बच्चों के सामने, क्लास सिक्स में करीब 35-40 बच्चे थे, उन लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया। पहले आपको ध्यान होगा 90s में एक पोस्टर बनता था डिग जैम शूटिंग का, जिसमें एक लड़का लड़की सूट बूट पहने हुए और पोस्टर लगा दिया गया दीवार पे, और बच्चों से कहा गया कि आप इसके बारे में 10 वाक्य लिखिए घर जाकर और कल लेकर आइएगा। सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा। जब उन्होंने उसको पढ़ा तो देखा कि सब बच्चों ने एक दो बातें कॉमन लिखी हैं। जैसे एक बात उन्होंने ये लिखी थी कि ये लोग हमसे ज्यादा विकसित हैं। तो पूछा गया कि भाई आपसे ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा अच्छे हैं है ना, विकसित हैं, जो भी अपने देसी भाषा में लिखना होता है। उसे पूछा गया तो आप उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि आपसे ज्यादा विकसित हैं? अरे सर हमारे कपड़े देखिए, इनके कपड़े देखिए है ना, हमारे कपड़े कितने थोड़े उस तरह से दिख रहे हैं, देहाती जैसे दिख रहे हैं, और इनके कपड़े देखिए कितने क्रीज्ड हैं, अच्छे हैं, और ऐसे कपड़े पहनते हैं तो अंग्रेजी भाषा भी बोलते होंगे, हमें तो नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमको इस तरह से दिखता है तो है ना, उसको भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये बताओ, अगर मान लो किसी रात को यही लोग तुम्हारे गांव तरफ घूमने चले आए, हिमालय में है ना घूमने चले आए, और रास्ता भटक जाए और आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करें, तो क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा अरे परदेसी लोग हैं और हमारे दरवाजे आ गए हैं रात को, तो इनको हम खाने पीने को देंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे, अगले दिन रास्ता दिखा देंगे। उनका बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ लेटस से कि आप इनके शहर गए घूमने के लिए, आधी रात को आपने दरवाजे पे नॉक किया, ये क्या करेंगे? तो बच्चों ने कहा ये तो पुलिस बुला देंगे हमको है ना, पकड़वा देंगे। तो हुआ कि विकसित कौन हुआ फिर, आप ज्यादा विकसित हुए कि वो ज्यादा विकसित हुए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ना लिखना और शिक्षा दो अलग चीज, बहुत बढ़िया। पढ़ना लिखना और शिक्षा दो अलग चीजें हैं। शिक्षा का एक भाग है पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना संपूर्ण शिक्षा नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न यही उठता है ना सर कि हमारी जो शिक्षा नीति है, पॉलिसी है और जो वर्तमान ढांचा है वो तो इसी को लेकर के चल रहा है। देखिए अच्छी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें इन तरह की चीजों को जैसे न्यायपूर्ण समाज हो, ठीक है ना, बच्चों में संबंध का विकास हो, सिर्फ पढ़ने लिखने सीमित ना हो, श्रम की प्रवृत्ति हो या मूल्यधारित जीना हो, इसको बहुत स्थान दिया गया, ये एक अच्छी बात है और उसमें काफी स्कोप निकल रहा है, जिससे हम लोग उच्च शिक्षा में भी काम कर पा रहे हैं और इसको प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में भी काफी बड़े पैमाने पे काम किया जा सकता है। तो लोगों का ध्यान तो जा रहा है। अगर आप पिछली सदी और इस सदी को तुलना करेंगे तो आप पाएंगे पिछली सदी में जैसे हमारे भारत देश में देखें तो शुरुआत में लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते रहे, समाज में जो मुद्दे थे रोटी कपड़ा मकान के थे, उसका जो मुद्दे बने बिजली सड़क पानी के बने, बिजली सड़क पानी के बने है ना, अब स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे बने हैं, और अभी धीरे धीरे लोग सुख की बात करने लगे हैं। जैसे आपका आनंद मंत्रालय खुला है, एक स्टेप है उसके लिए, सुख की बात कर रहे हैं। देशों में भी देखें तो लोग सुख की बात करने लगे हैं, अल्टीमेटली तो वही सुखी होना चाहते हैं ना, ये बाकी सब तो साधन है, सुविधाएं हैं है ना, सुविधाएं, अल्टीमेटली तो सुखी होना चाहते हैं। तो वर्ल्ड ओवर आप देखें तो सुख की बात होने लगी है। जापान, भूटान में 2008 में सरकार ने इंडेक्स डिक्लेयर किया, ग्रॉस हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, GNH। तो GDP की नहीं, हम GNH की बात करेंगे। अभी देखिए विश्व में हर साल देशों की एक सूची बनाई जाती है, और बात है कि सूची अपने ढंग से, मापदंड उनके अपने ढंग से बने होते हैं, परंतु लोग देश में सुख कितना है उसका आकलन किया जाता है। तो अब लोगों का ध्यान तो जा रहा है ना, आगे बढ़कर धीरे, और उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें वहां पे आना ही पड़ेगा। अभी सुख के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। अभी बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग विकास को माने हुए हैं, इस तरह से धरती हमारे लिए जीने लायक बचेगी कि नहीं बचेगी आज से 10-20 साल बाद, है ना। तो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि आपको क्या अधिकार है कि आप धरती को खुद कंज्यूम कर लें और हमारे लिए नष्ट कर दें। वर्ल्ड ओवर रिवॉल्यूशन हो रहे हैं,
बच्चे जो ग्रेटा थनबर्ग की एक आती है न्यूज है ना, तो इस तरह के बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान तो जा रहा है। आज ही एक भाषा खबर है कि बच्चों ने एक खदान के प्रदूषण के ऊपर से प्रश्न उठाया और हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी। तो आपके बात से एक चीज क्लियर हुई सर कि भूटान जैसा देश जो है जिसके टोटल जीडीपी या संसाधन जो है हमसे बहुत कम है, दूसरे देशों से भी कम है, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में अग्रणी है तो ज्यादा आनंद से है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उनकी समझ विकसित हो चुकी है। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडेक्स बनाने से लोग सभी सुखी हो गए। देखिए सुखी होने का तो निश्चित आधार है सही समझ सही भाव, बट कम से कम उसको वरीयता तो दी, ये महत्वपूर्ण बात है। जी तो जी धन्यवाद। वरीयता देंगे तो हम योजनाएं बनाएंगे कार्यक्रम बनाएंगे, वरीयता नहीं देंगे तो कार्यक्रम भी नहीं बनेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा भूटान के सभी लोग सुखी हो गए, मगर भूटान ने कम से कम ध्यान दिया कि सिर्फ सुविधा संग्रह में ही उपलब्धि नहीं है ना, हमको सुविधा से आगे जाके देखना होगा लोग सुखी कितने हुए। जब जीडीपी की बात करें तो खाली हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, परंतु जब हम सुख की बात करें उससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। जी राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब इस पूरे जो चार दिन हो चुका है लगभग, और चार दिन में एक भी बार आपने खुशी शब्द का उपयोग नहीं किया, लगातार सुख का उपयोग किया है, और हमारे यहाँ लगातार एक डिस्कशन चलता रहता है कि सुख अलग है और खुशी अलग है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका या मेरा जो सुख यहाँ पे जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें खुशी का भाव निहित है, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? खुशी शब्द का जो प्रयोग होता है ना वो एक टेम्पररी फीलिंग के रूप में होता है कि किसी बात की खुशी हुई है ना, हम जो बात करें सुख की वो निरंतरता के अर्थ में, तो हम निरंतर सुखी रहना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जिसको हम खुशी मानते हैं वो एक्साइटमेंट होता है, आवेश होता है। एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, जिस पक्ष से हम बिलोंग करते हैं वो पक्ष जीत गया, खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। जो मूवी देखना चाह रहे थे वही टीवी पे आ गया, खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए ना। कोई म्यूजिक पसंद का है वो हमारे कानों में पड़ गया, एक्साइटेड हो गया, खुश हो गए। तो अभी तो उस रूप में ही ज्यादातर शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए सुख का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें निरंतरता है, निश्चितता है, सार्वभौमिकता है। क्या निरंतर खुश रहना सुख है? वही अगर आप उसको सुख में रखना चाहें तो रख सकते हैं कि निरंतर खुश रहें, पर निरंतर खुश रहने का फिर कार्यक्रम भी व्यवस्था को समझने और व्यवस्था में जीने के आधार पर ही बन पाएगा, संवेदनाओं के आधार पर या मान्यताओं के आधार पर नहीं बन पाएगा। ठीक है सर। मैं एक बार एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा था सर, हालांकि विषयांतर नहीं होना चाह रहा हूँ, परंतु आपने तीन बार चार बार शिक्षा का नाम लिया और एक संघ एक शब्द को परिभाषित किया कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा ये नहीं है, संपूर्ण शिक्षा में संस्कार भावनाएं कौशल संवेदनाएं योग ये सारी चीजें होना चाहिए, और सारी बातें होनी चाहिए होनी चाहिए, ये बात सही है, परंतु सिर्फ 6 पेपर और 8 पेपर होने चाहिए अंत में, ये हो रहा है कि अभाव कहाँ है? हमारे धीरेन जी हमारे साथ में हमारे सर, तो शायद इस बात को गंभीरता से ले पाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन रेज करने का अर्थ ये है कि सारी की सारी परीक्षाओं का अर्थ साल भर में आप इकट्ठा खाइए और सीधा जाके वॉमिट कर दीजिए 3 घंटे के अंदर, तो ये कौशल संस्कार भावनाएं संवेदनाएं ये सारी की सारी चीजें रहती कहाँ है? कहीं कोई मूल्यांकन नहीं है, कहीं कोई देने का नहीं है, सिर्फ पुस्तक पुस्तक पुस्तक, चाहे वो हम कोटा चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, सिर्फ पुस्तक अंदर डालना है, पुस्तक अंदर डालना है, शिक्षा का उद्देश्य ये है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन राइज करना था, प्लीज सॉरी। ऐसे में आपको एक मजे की बात बताऊं, मतलब धीरेन्द्र भैया भी इस पे कमेंट करें, अगर आप देखें तो आज के दिन कॉलेजेस को NAAC और NBA का अग्रेडिटेशन लेना पड़ता है, हम सभी अवगत होंगे NAAC और NBA के अग्रेडिटेशन से है ना, उनकी मान्यता लेनी होती है। अब उस अगर मान्यता में देखेंगे तो 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो बुकिश नॉलेज से जुड़ा हुआ है, 7 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, 7 में अगर 2 को रख दें तो थोड़ा अलग डोमेन है, अकाउंटिंग का है और कुछ दूसरी चीजें फाइनेंस का है, 5 एट्रीब्यूट और अगर आप देखें तो पूरी तरह से वो हमारे व्यवहार से समझ से जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में लोगों के साथ मिलकर आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि नहीं है, आपके कंडक्ट में एथिक्स है कि नहीं है, तो लोगों का ध्यान तो जा रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बुकिश बनाया जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग अभी यूनिवर्सिटीज में भी देखते हैं कि इन बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, सिंपली क्लासरूम टीचिंग ना हो, क्लासरूम टीचिंग को भी कहा जा रहा है कि उसमें आप सिर्फ बच्चे को
रिमेम्बरिंग के स्किल मत दीजिए कि आपने जो पढ़ाया उसको रिमेम्बर कर ले। रिमेम्बरिंग सबसे निचले पायदान पे रखा जाता है, बताते हैं उसमें बच्चे में क्रिएटिविटी आए, बच्चा समझ के कुछ कर पाए। तो एक हद तक तो यह है कि बुकिश रहा है नॉलेज, बुकिश रहा हमारा एजुकेशन, बट पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखें तो शिक्षा में इस तरह के परिवर्तन भी किए जा रहे हैं ताकि बच्चे साथ साथ जुड़ के काम कर पाएं, बच्चे क्रिएट कर पाएं, बच्चे नेचर से कनेक्ट हो पाएं, बच्चों के अंदर खुद से समझने सीखने की प्रवृत्ति बन जाए, ये भी है। तो ऐसा करते हैं, फिर प्रश्न तो आते रहेंगे, मैं थोड़ी बात लेके आगे चलता हूँ। संक्षेप में कोई नई बात हो तो बता दें। दीप्ति जी ने अभी तक नहीं पूछा है, दीप्ति जी बताएं। जी बस मैं इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज थी तो ऐड ऑन करना चाह रही थी जो व्यास जी ने अभी बात रखी, कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अभी जैसा आपने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी हम उस समझ पे भी आ रहे हैं अपनी शिक्षा को। पहले बुकिश नॉलेज पे फोकस थी, लेकिन अब हम उस पे ला रहे हैं, और यही कारण है कि अभी NEP 2020 में हमारी एनालिटिकल लर्निंग जो है उसको फोर्स किया गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो हम पहले वस्तु परक की बात करते थे, अब वो शायद ज्ञान परक से ज्यादा अपडेट हो कि अब हम समझ परक पर आ गए हैं। तो अगर हम बात करें कि पहले हम पूछते थे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो बच्चा आंसर देता था, हम एक नंबर दे देते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें एनालिटिकल लर्निंग की, तो हम बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन यदि नहीं होता तो क्या होता। तो ये जो समझ है, ये शायद अब हम बच्चों को विकसित कर पा रहे हैं और उसमें अपना योगदान दे पा रहे हैं। थैंक यू भैया। तो जा रहा है, ठीक बात। मैं लखनलाल असाटी भी एक मिनट अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये बात 35 साल पुरानी है और आज के संदर्भ में जस की तस। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में हाई वोल्टेज लैब के प्रोफेसर थे डॉक्टर भट्ट। उनका उस समय का दुख था कि 5 साल की बीई कराने के बाद, हम इतनी सारी परीक्षाएं लेते हैं, प्रैक्टिकल्स कराते हैं, सब कुछ कराने के बाद एक कोई साधारण सी परीक्षा PSC की, UPSC की 3 घंटे की परीक्षा हमारे किसी विद्यार्थी को रिजेक्ट कैसे कर सकती। जी जी बात, इसलिए अभी आज के दिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हो रही है, कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देकर असेसमेंट हो जाएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात हो रही है। बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस रखने की बात हो रही है, बच्चों के लिए सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है। तो ध्यान तो दिया जा रहा है ना, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसमें बस ये समझ के पुट को केंद्र में लाना है। अभी भी आप देखिए तो एक एडिशनल कोर्स के रूप में तो शिक्षा में जा रहा है, टेक्निकल एजुकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है, UGC भी इसको इंक्लूड करने पे विचार कर रहा है। अभी ये और टीचर्स तैयार हो जाएं, जैसे अभी हम लोग जो शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं उसमें अपनी अपेक्षा है कि और अगर टीचर्स तैयार होते हैं तो फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में भी जा सकता है, और इस पर्सन तैयार हो जाएं और इसमें समय देने के लोग तैयार हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, सहज स्वीकृति तो हर तरफ है, ये तो अपने को प्रयोग पूर्वक भी दिख रहा है कि अगर कोई आप अच्छी बात सही बात लेके जाते हैं समाज में तो सहज रूप से लोग स्वीकारते ही। फिर अभी जितनी आवश्यकता बन गई है या जितना स्वीकृति मिल गया है, उतने को पूरा करने के लोग नहीं पूरे पड़ रहे हैं। स्थिति तो इस प्रकार की है कि स्वीकृति तो बन गई है, लोग उसको पूरा कर पाए उस आवश्यकता को, इसकी कमी हो रही है। जी अब मैं थोड़ा बात को आगे लेके चलता हूँ।